देखिए, एक शब्द है अनपढ़। तो स्टूडियो में अनपढ़ को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में इस शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या मतलब होता है अनपढ़ का। देखिए, अनपढ़ बोलते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो, निरक्षर हो। मतलब पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को हम अनपढ़ बोलते हैं, जिसका मतलब होता है निरक्षर, अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा ना हो, जाहिल, असाक्षर, अपढ़, बेपढ़ा, मतलब अनपढ़। इंग्लिश में अनपढ़ को बोलते हैं समवन हु कैन नॉट रीड और राइट, मतलब इलिटरेट, अनलेटर्ड, अनएजुकेटेड, अनरेड, अनअल्फाबेटिक एंड इटिस। मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अनपढ़ के। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे कि उन्होंने कहा मैं अनपढ़ हूँ साहब लेकिन बेवकूफ़ नहीं। मतलब इंग्लिश में ही सेड आई एम इलिटरेट सर बट नॉट स्टूपिड। दूसरा एग्जाम्पल के पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही तो फर्क होता है। मतलब इंग्लिश में दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड इलिटरेट वन या इलिटरेट। ठीक है, तो मैंने अपने अनपढ़ शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।